रवि कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज आइस स्कूप। अभी सारे देश में दिवाली मनाई जा रही है और यहाँ इटखोरी प्रेम नगर में भी खूब जोर शोर से दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे आ पहुंचा हूँ और आप दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में कितने बड़ी कलाकारी है वो आप देखेंगे आज इटखोरी के प्रेम नगर में। सनी कुमार से मैं आपको मिलाऊंगा। सनी कुमार ने जो माँ लक्ष्मी और गणेश को जो भुरकुंडा में रखा जाता है उस भुरकुंडा का रूप को माँ भद्रकाली मंदिर का रूप दिया है। आइए जानते हैं सनी से कि वो इस भुरकुंडा को कैसे बनाया, उनके मन में क्या ख्याल आया, उनसे जानते हैं। आइए मिलाते हैं आपको सनी कुमार से। सबसे पहले आपका न्यूज बायोस्कोप में स्वागत है। आप जो गणेश और लक्ष्मी का भुरकुंडा बनाए हैं माँ भद्रकाली की हूबहू मंदिर के रूप में, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। हम जब छोटे छोटे बच्चे लोग को बनाते हुए देखते थे भुरकुंडा, हमारे घर के अगल बगल सभी लोग बनाते थे तो हमें भी मन करता था कि हम ये बनाए, तो हम सोचे कि ना सबसे हटके बनाया जाए, तो फिर हम माँ भद्रकाली मंदिर है यहीं पे उसी के जैसा बनाने का सोचे और फिर माँ भद्रकाली जैसा मंदिर जैसा भुरकुंडा बनाए। हमें हमारे न्यूज चैनल को पता चला है कि इससे पहले आपने माँ भद्रकाली की भी प्रतिमा को हूबहू उतारा था, ये बायोस्कोप न्यूज को पता चला है, इसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, एक बार हम माँ भद्रकाली की मूर्ति को बनाए थे जिसे बहुत पसंद किया गया था। चतरा से SDO सर आए थे, उन्हें हम भेंट किए थे तो वो उस मूर्ति को मंदिर के म्यूजियम में रखे थे और हमें बहुत सारी बधाई दी। और इससे पहले अगले वर्ष भी आपने गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा बाजार में उतारा था, ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, उस अगले बार गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को हम बनाए थे जो सभी को बहुत पसंद आता था, इसलिए मैं मिट्टी की मूर्ति बनाए थे और बाजार में हम मूर्ति को बेचे थे तो सभी लोग पसंद करके खरीदते थे। और एक बात हमें पता चली है कि आप अपने दादाजी जो मृतक हो गए, स्वर्गवास हो गए, उनकी भी हूबहू प्रतिमा बनाई थी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। एक बार मेरे दादाजी उस पर डेथ कर गए जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ। उनके फोटो को हमें देख कर लगा कि उनका एक मूर्ति बनाया जाए जिसकी वजह से हम अपने दादाजी की मूर्ति बनाए, जिससे हमें लगे कि वो हमारे पास है।